So in yesterday's class, we discussed about the chemical reactions of metals, and in that context, we started discussing about the chemical reaction of metals with oxygen. तो वहाँ पर हमने देखा कि metals oxygen के साथ में combination reaction करते हैं और metal oxides बनाते हैं. According to their respective positions in the reactivity series, they differently with different intensity react with the oxygen. Oxygen is itself is a very reactive non-metal. Combination reaction होता है इनके बीच में, metal oxide बनता है. Metal oxide is always basic in nature. यहाँ पे हमने एक ख़ास बात सीखी, amphoteric oxides, aluminium oxides and zinc oxides are amphoteric in nature. Amphoteric means the oxides, the metal oxides which have the tendency to react with acids as bases or with bases with acids, like acids. यानी कि वो acid के साथ जब react करते हैं तो base की तरह से behave करते हैं और neutralization reaction देते हैं, salt and water बनाते हैं. और जब वो base के साथ reaction करते हैं तो they start behaving like acids और फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं. तो मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे वो एम्फोटेरिक. जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए वो एम्फोटेरिक. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, याद कर लिए होंगे आपने. आज हम बात करेंगे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और कैटेगरी की, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. वाटर के साथ किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं ये हम देखेंगे. और यहाँ हम फिर से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ ड्यूरिंग दिस चैप्टर अगर आपको याद नहीं है, तो याद वैसे होना ही चाहिए आपको, लेकिन अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ रोज़ लिखें. हाँ, एवरी डे रिएक्टिविटी सीरीज़ अपने आप लिखें और आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगी, आई एम श्योर. सबसे ऊपर पोटेशियम, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सबसे ऊपर. तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कार्बन रखने को बोला था, विच इज़ अ नॉन मेटल. कुछ चीज़ें जो अपनी बुक में ना हो वो भी याद कर लेनी चाहिए. आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, क्यों रखा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में ये डिस्कस हमने कल किया था. गोल्ड एंड प्लैटिनम, प्लैटिनम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो नोबल मेटल्स हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट. तो आप देखें कि द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स इज मेटल का रिएक्शन विद वाटर. Metals react with H2O according to their positions in the reactivity series. इसको आपको reactivity series से ध्यान रखना है. The metals which are highly reactive, that is which are at the top of the reactivity series, potassium, sodium and calcium, they react with cold water. कोल्ड वाटर का ये मतलब ना समझें कि हम पानी को कोई रेफ्रिजरेटर से निकाल रहे हैं ठंडा करके. मतलब कोल्ड वाटर मतलब जिसे गर्म ना किया गया हो, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, उसको हम ठंडा पानी बोलते हैं. तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब वाटर की लिक्विड स्टेट के साथ में रिएक्शन करते हैं. हाँ, पोटेशियम विद H2O they react, sodium and potassium are highly reactive, so they react violently with cold water. This is cold water and gives potassium hydroxide and hydrogen gas is evolved. Sodium gives with water potassium hydroxide
and hydrogen gases evolved. ये दोनों reactions highly exothermic हैं. मतलब उसमें बहुत सारी heat evolve होती है. आपको याद होगा हम triangle से heat show करते हैं. ये वाला reaction मैंने आपको करके दिखाया था जब हम chemical reactions पढ़ रहे थे. तो इसे आप बैलेंस भी कर लें. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा. यहाँ पे तीन है यहाँ पे दो. हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. यहाँ पे टू लिख के और यहाँ पे टू लिख के हाइड्रोजन को बैलेंस किया हमने. सोडियम के आगे टू आ गया तो यहाँ टू लिखना पड़ेगा. सोडियम भी बैलेंस हो गया. ऑक्सीजन टू एंड टू बैलेंसड ही है. तो ये हमारा बैलेंसिंग ऑफ दिस इक्वेशन हो गया. ये रिएक्शन जो है इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है इसलिए हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड. आपको याद होगा हमने ये रिएक्शन करके देखा था जिसमें एक बॉइलिंग ट्यूब को स्टैंड पे लगाकर उसमें सोडियम का एक टुकड़ा काट के डाला था और उसमें पानी डाल दिया था और वो फिर बहुत विग्रस रिएक्शन हुआ था. पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन जल गई थी. तो ये रिएक्शन जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन है. कैल्शियम इज़ ऑल्सो अनदर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. लेकिन यहाँ पर अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो इसलिए इसको नोट कर लें. क्या कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड ट्वाइस इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड बट द रिएक्शन इज नॉट एज एक्सोथर्मिक एज द प्रीवियस टू रिएक्शंस वर. सो हाइड्रोजन इवॉल्व्स बट डज नॉट बर्न विद पॉप साउंड. अगर हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलता नहीं तो फिर क्या होगा. फिर ये कैल्शियम के आपने टुकड़े डाल के इसमें पानी डाला था. हाइड्रोजन गैस अगर गैशियस फॉर्म में बाहर निकलने लगेगी तो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी. हाइड्रोजन बबल्स और unreacted calcium pieces will get stuck with these bubbles and will start floating at the surface of the test tube. यहाँ पे question बनता है, इसको note कर लें. क्या question बनता है कि why calcium pieces starts floating at the surface of the test tube when it is they are reacted with calcium is reacted with cold water. ये बात आपसे पूछी जाएगी. आपको इसका आंसर ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड डज नॉट बर्न विद अ पॉप साउंड एज द रिएक्शन इज नॉट दैट एक्सोथर्मिक एज द रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम विद वाटर. सो दिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ कैल्शियम गेट स्टक विद दीज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सर्फेस. कई बार बाहर भी गिर जाते हैं निकल के, जैसे दूध उफन के गिर जाता है वैसे. तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम है. रिएक्टिविटी सीरीज देखें. मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करोगे तो बहुत ही स्लो होगा. रिएक्शन हो जाएगा बट इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो. तो हम तो ऐसा रिएक्शन चाहते हैं जो फटाफट हमको दिखाई दे, विजिबल हो. तो क्या करेंगे, इसको गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे. वाटर इज इन लिक्विड स्टेट बट दिस इज हॉट वाटर. जब मैग्नीशियम और वाटर का गर्म पानी का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH होल्ड ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. यहाँ भी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती नहीं क्योंकि उतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं हो रही है. ये रिएक्शन भी उतनी एक्सोथर्मिक नहीं है जितनी सोडियम और पोटेशियम वाली रिएक्शंस थी. तो ये भी मैग्नीशियम के अनरिएक्टेड पीसेस यहाँ पर वैसे ही फ्लोट करने लग जाएंगे जैसे कैल्शियम वाले करते थे. ये बात ध्यान रखना कि मैग्नीशियम के साथ भी हॉट वाटर में ऐसा ही होता है जैसा कोल्ड वाटर में कैल्शियम के साथ होता है. हालांकि क्वेश्चन कैल्शियम से ही पूछा जाता रहा है लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई भरोसा नहीं है. खैर आप लोगों को अगर MCQ भी मिल रहे हैं इसमें तो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में निकलती है. तो मैग्नीशियम के अनरिएक्टेड पीसेस फ्लोट करने लगते हैं एट द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब.
ठीक है, फिर मैग्नीशियम तक की बात हो गई। मैग्नीशियम के नीचे यानी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब जो मेटल्स हैं दे डोंट रिएक्ट विद वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ना तो ठंडा पानी ना तो गर्म पानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती इसके नीचे, बिकॉज अब रिएक्टिविटी कम हो गई है। तो वाटर के साथ अब रिएक्शन करना है तो एक्चुअली स्टीम के साथ में रिएक्शन करना होगा। तो एल्यूमिनियम नोट करें, ध्यान रखें इस बात को, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद H2O गैशियस फॉर्म, इसको हम बोलते हैं स्टीम। स्टीम पास की जाती है जब एल्यूमिनियम के पाउडर के ऊपर या एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ज़रूर, अगर कोई मेटल वाटर से किसी भी फॉर्म में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का इवॉल्व होना तो ज़रूरी है। लेकिन आप नोट करें कि जब तक वाटर लिक्विड फॉर्म में था, चाहे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चारों में से किसी की भी रिएक्शन हो रही थी वाटर के लिक्विड फॉर्म से, चाहे वो ठंडा पानी था या गर्म पानी था, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहे थे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलना तो कॉमन है। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस नाउ, व्हेन मेटल एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद स्टीम, गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलना तो कॉमन है। आयरन स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा और Fe3O4 बना लेगा विथ H2। Fe2O3 लिखने की हमारी आदत है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है, कोई जिसको ठीक से नॉलेज नहीं है वो यहाँ पे Fe2O3 लिख देगा और गलत हो जाएगा, आपने लिखना है Fe3O4। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4, यानी ये भी मेटल ऑक्साइड बना है। जिंक का भी ऐसा ही होगा, जिंक प्लस H2O इन गैशियस फॉर्म गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि जो आयरन वाला रिएक्शन है उसको अपनी बुक में से एक डायग्राम भी दे रखा है, उसे भी देख लें ठीक से। ये क्या हो रहा है, इधर एक बॉइलिंग ट्यूब में यहाँ पे रखा है ग्लास फूल सोक्ड इन वाटर स्टीम बनाने के लिए, और बर्नर से स्टीम बनाई जा रही है। मेटल का सैंपल यानी आयरन सैंपल रखा हुआ है और फिर इसमें से जब गैस पास होती है तो इससे रिएक्ट करती है और फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि बबल्स के फॉर्म में वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा कर ली जाएगी। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन गैस आई है, रिएक्शन इज आयरन प्लस H2O गैस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो ये जो H2 है वो ये दिख रहा है हमको बबल्स की फॉर्म में निकलता हुआ, इसको हम बोलते हैं वाटर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। वाटर को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन, क्योंकि एयर से हल्की है इसलिए वाटर को डिस्प्लेस करके इकट्ठी की जाती है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख लें, ये मतलब गैस जार है, ये एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली, ये सारी रिएक्शंस हमने देख ली हैं, आप इनको याद कर लें। इम्पॉर्टेंट बात है ये, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सर्फेस। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड
डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। यहाँ ध्यान रखना कि लेड को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। हाँ, लेड भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब लेड हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि वो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है, लेकिन लेड भी उसी कैटेगरी में रखा गया है विच डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन के जो नीचे हैं वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर होने के बावजूद लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन और लेड की रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गया हमारा वाटर का मेटल्स के साथ में। अब हम बात करेंगे वो बात जो आप एसिड बेसिस चैप्टर में भी कर चुके हो, क्या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ में मेटल्स का रिएक्शन, अगेन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज ऑब्वियसली वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के नीचे हैं लाइक कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछी जाती है दैट इज विच एसिड्स, कौन से एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन का ध्यान रखना है, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड HNO3। रीज़न हम एसिड बेसिस चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जब एसिड के साथ में रिएक्ट करवाने के लिए रखा जाता है तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे देता है किसको, जिससे वो रिएक्ट कर रहा हो या उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रही हो। तो जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है ये उसको ऑक्सीजन दे करके वाटर बना के वहीं बिठा देता है। तो हाइड्रोजन का रिलीज होना जो कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है मेटल्स और एसिड के रिएक्शन में, क्या होता है मेटल्स और ऑक्सीजन के रिएक्शन में कि जब मेटल्स और ऑक्सीजन के नहीं मेटल्स और एसिड के रिएक्शन में कि अगर एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके साथ में रिएक्शन होती है किसी भी मेटल की, तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है। पॉपुलर रिएक्शन क्यों है ये बात मैंने आपको बताई थी एसिड बेसिस में कि हाइड्रोजन बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन यही है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस वो यही है। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो कोई भी मेटल के साथ में ऐसा ही होगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड या HCl है, लेकिन वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम दे डोंट रिएक्ट विद मेटल्स। उनका रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। लेकिन रिएक्शंस होती हैं जो वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो होंगी। एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डोनेट्स ऑक्सीजन और गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर एंड खुद एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी NO, NO2, N2O कोई सा भी
हाँ, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं, कोई भी ऑक्साइड बना करके सेटल हो जाएगा। ये होता है नाइट्रिक एसिड और एसिड के रिएक्शन में। तो देखें हम कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड वाली बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट इज N2O, NO और NO2। बट मैग्नीशियम एंड मैगनीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्शन करता है। दे आर टू मेटल्स मैग्नीशियम एंड मैगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, एक्सट्रीमली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ये बातें हम क्योंकि एसिड बेसिस में भी पढ़ चुके हैं तो आई होप आपको याद तो ऑलरेडी होगी, तो एक रिविज़न हो गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। जहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ज़्यादा हो हाइड्रोजन के, वहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। इसका मतलब मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये रिएक्टिविटी कम होती जाती है। अब आप इसको देखें, ये आपका MCQ हो सकता है जिसमें एक ऑप्शन में ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ हो। द रिएक्टिविटी विद एसिड्स ऑफ द मेटल्स विल डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को शफल करके एक न्यूमेरिकल, एक MCQ बनाया जा सकता है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी बात है, एक्वा रिजिया, छोटी क्लासेस में 7th क्लास में आपने पढ़ी होगी। एक्वा रिजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। HCl 3 पार्ट एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 1 पार्ट, 3:1 के रेशियो में जब मिलाते हैं तो बनता है एक्वा रिजिया रॉयल वाटर। हाँ, एक्वा मतलब वाटर, रिजिया रॉयल किंग्स। हाँ, एक्वा रिजिया इज अ, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड को डिसॉल्व करता है, इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपस में 1:3 के रेशियो में मिल जाने से उनकी करोजिवनेस बढ़ गई है, पावरफुल हो गए हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। एक्वा रिजिया इज़ अ हाईली करोजिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है, इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखें। अब तीसरी बात आती है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें एक मेटल जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरे मेटल जो कि कम रिएक्टिव होगा, उसको अपने सॉल्ट में से, सॉल्ट के मॉलिक्यूल में से डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से नए सॉल्ट्स बनते हैं और कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर रिएक्शन तो है आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। हाँ, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और आपको पता ही है आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। व्हेन यू वॉच इट इन रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता चलता है कि क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ये कॉपर को हटा देगा।
और कॉपर जो होता है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। आयरन सल्फेट आयन के साथ में कंबाइन होकर के FeSO4 बनाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस शुड बी एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये केवल सॉल्ट कॉपर सल्फेट है तो आयरन की उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट आयन्स का होता है। FeSO4 भी एक्वस ही है। यहाँ पे कलर चेंज की रिएक्शन है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर सल्फेट, सॉरी रेडिश ब्राउन नहीं, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, पेल ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होता है और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल पर डिपॉजिट क्यों होता है, ये बात हमने की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, मैं याद दिला देता हूँ आपको। हाँ, रेडॉक्स में हमने कहा था कि आयरन बीइंग अ मेटल यहाँ पर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो आयरन लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर टू फॉर्म Fe+2 आयन। दिस Fe+2 आयन रिएक्ट्स विद कंबाइंस विद SO4-2 आयन टू गिव पेल ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट FeSO4। जबकि जो कॉपर के आयन थे सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट आयनाइज हो जाता है जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो Cu+2 और SO4-2 में, तो Cu+2 इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एट आयरन नेल पर जाकर दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वही दो इलेक्ट्रॉन जो आयरन ने छोड़े थे, वो इसलिए छोड़े थे क्योंकि कॉपर उसे गेन करने आ गया था और कॉपर बन जाता है विच इज़ रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर वहीं डिपॉजिट होता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कहाँ पर? एट आयरन नेल। तो वो आयरन नेल के ऊपर ही कॉपर क्यों डिपॉजिट होता है, इसका आंसर है। ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं अपन, जिसमें ये हमारे प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, चार मेटल्स और उन्हीं मेटल्स के चार सॉल्ट्स, उनके एक्वस सॉल्यूशंस कौन किससे रिएक्शन करेगा, आपने ये पहले भी देखा होगा। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चार मेटल्स हमको लेने हैं, और चार ही सॉल्ट चाहिए। ठीक है, तो मेटल्स यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, इस तरफ लिखेंगे मेटल्स और उस तरफ लिखेंगे उनके सॉल्ट्स। हाँ, तो मेटल्स ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। यहाँ पे इन्हीं चारों मेटल्स के रिस्पेक्टिवली सल्फेट सॉल्ट्स ले रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, सारे एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे, जिंक सल्फेट एक्वस, आयरन सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस। इनमें से
ये तो कलरलेस है, ये दोनों कलरलेस हैं, जो ये है ये पेल ग्रीन है, और जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू है, ठीक है, ये कलरलेस हैं दोनों। अब देखें रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम इन चारों में सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट को छोड़ करके, एल्यूमिनियम सल्फेट से तो वो रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिंक सल्फेट के साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा यानी रिएक्शन करेगा, फेरस सल्फेट के साथ में एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, और कॉपर सल्फेट के साथ भी, मतलब वो इन तीनों जिंक आयरन और कॉपर को अपने अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। उसके लिए इजी है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है सबसे इन तीनों से, तो ये खुद को छोड़ करके भाई एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को क्यों डिस्प्लेस करेगा, लेकिन बाकी तीनों को डिस्प्लेस कर देता है तो रिएक्शंस होती हैं। यहाँ रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं कहीं कहीं, जैसे यहाँ तो ये तो कलरलेस था तो ये तो कलरलेस ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई कलर चेंज नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे फेरस सल्फेट तो वो ग्रीन से कलरलेस हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस है, तो कलरलेस का कलरलेस ही रहा, ये पेल ग्रीन से कलरलेस हो गया और ये ब्लू से कलरलेस हो जाता है, जहाँ कलर होगा वहीं कलर चेंज होगा। जिंक को देखें, जिंक एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, खुद के साथ कोई रिएक्शन नहीं जिंक सल्फेट के साथ में, यहाँ पर रिएक्शन होगी दोनों जगह और कलरलेस हो जाएंगे यहाँ भी इनके सॉल्यूशंस। याद रखने की बात यह है कि जिंक की एल्यूमिनियम की जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन हो रही है और देर इज़ नो कलर चेंज, दैट डज नॉट मीन दैट देर इज़ नो रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन आप कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए और आपको ये लिखा जाए कि देर इज़ नो चेंज इन कलर, तो इसका मतलब ना समझें कि रिएक्शन नहीं हुई, हो सकता है एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट का रिएक्शन हो रहा हो, उसमें रिएक्शन होता है लेकिन चेंज इन कलर नहीं होता। आयरन यहाँ एल्यूमिनियम और जिंक के साथ में रिएक्शन वैसे नहीं कर सकता, खुद के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं, और कॉपर सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होती है वो हमने अभी देखी थी, ब्लू कलर के एक्वा सॉल्यूशन का कलर पेल ग्रीन हो जाता है। कॉपर इन चारों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये टेबल आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इनमें चेंज इन कलर भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द दीज फोर मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज यही है जो हमने यहाँ पे लिखी है, इन चारों की सीरीज एक दूसरे के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स, मेटल्स का रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट्स है। हमने शर्त रखी है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन तो आयंस का ही होता है। तो जो हमने रिएक्शन देखा आयरन नेल वाला कॉपर सल्फेट में वो ये है, और आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैम्पल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। Displacement reactions studied in chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals as compared to each other. It is simple that easy, simple and easy if metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. तो मतलब इस रिएक्शन को हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाने के लिए इन रिएक्शंस को काम में ले सकते हैं, जिनमें मेटल ए विच इज मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस metal B from its salt solution to give out salt solution of metal A
एंड मेटल बी इज इवॉल्व्ड. द रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको हमने लिखवाई है. अब आप देख लें इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे मैंने आपको कार्बन लिख के दिया था, यहाँ पे मैंने आपको टिन लिखा था, और नीचे हमने यहाँ पे प्लैटिनम लिखा था. तो ये दो तीन चेंजेस, दो तीन थोड़े से एडिशंस हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं है. आप एज इट इज़ इसको याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. वो तो मैंने मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था. अभी हम क्वेश्चंस देख लें. व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. कल इसका आंसर हमने देखा था कि केरोसिन बीइंग अ हाईली रिएक्टिव मेटल व्हेन एक्सपोज्ड ओपन इन एयर कैन इमीडिएटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ थ्रेट ऑफ एक्सीडेंटल फायर. सो टू अवॉइड दिस थ्रेट ऑफ एक्सीडेंटल फायर वी कीप सोडियम पीसेस इमर्स्ड इनसाइड द केरोसिन ऑयल और पैराफिन. पैराफिन लिक्विड में डुबा के भी रख सकते हैं. राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम हमने अभी आज लिखी थी. आप अपने आप वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो आयरन का स्टीम के साथ में क्या रिएक्शन है. Fe plus H2O गैस गिव आउट Fe3O4 plus H2. Fe3O4 याद रखना है, Fe2O3 नहीं लिख देना है, ठीक है. राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम. कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. पोटेशियम विद वाटर एक वायलेंट रिएक्शन है. वेयर K विल रिएक्ट विद H2O टू गिव KOH एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व एंड दिस हाइड्रोजन विल बर्न इमीडिएटली विद पॉप साउंड एज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. व्हेन कैल्शियम इज रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर देन वी सी दैट देयर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट दैट रिएक्टिव. द हाइड्रोजन डज नॉट बर्न विद अ पॉप साउंड. तो फिर क्या होगा, अनरिएक्टेड कैल्शियम पीसेज विल स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सर्फेस एज दे गेट स्टक विद द हाइड्रोजन बबल्स कमिंग आउट. और देखो सैम्पल्स ऑफ फोर मेटल्स ABC and D वर टेकन एंड एडेड टू फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन. द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टैबुलेटेड. आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, हमने जो अभी टेबल बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेबल ये है, लेकिन हम समझ सकते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा है, इनमें जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब नंबर वन रिएक्टिव इज जिंक, नंबर टू रिएक्टिव इज आयरन, नंबर थ्री रिएक्टिव इज कॉपर, नंबर फोर रिएक्टिव इज सिल्वर. हाँ, इन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज ABCD लिखा हुआ है, हमें बताया नहीं है. हमें ये आइडिया लगाना है सबसे पहले तो क्वेश्चंस देखे बिना कि इसको अपने आप करना. रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है कि ये मेटल्स कौन से हो सकते हैं. अब देखो जो आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब A जो है वो आयरन के तो नीचे है. कॉपर के साथ रिएक्शन कर ले रहा है, मतलब वो कॉपर के ऊपर है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. और जिंक सल्फेट जो है उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं ऐसा या हमको लिखना है. अगर आयरन सल्फेट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है तो जिंक तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ भी नो रिएक्शन ही होगा. ए अगर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो जिंक को डिस्प्लेस करने का कोई चांस नहीं है, नो रिएक्शन लिख दो. सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है और कॉपर से कम रिएक्टिव सिल्वर है. अब बी मेटल जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जिंक के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, यानी वो जिंक से आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव है. कॉपर के साथ में वो, हालांकि हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऐसा कोई मेटल देखा नहीं है क्योंकि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक के बाद आयरन ही आ गया है, लेकिन हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ कोई अल्टीमेट रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं है. हमने मान लिया कि जिंक और आयरन के बीच में कोई चीज़ है. ये बता रहा है सिचुएशन कि बी जो है वो जिंक और आयरन के बीच में है, जिंक के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आयरन के साथ वो डिस्प्लेसमेंट कर देता है, आयरन को हटा देता है, इसलिए वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा.
और सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से टेबल कंप्लीट करनी थी पहली बात। तो दूसरी बात आप देखें क्वेश्चन क्या है, यूज़ द टेबल अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है जो सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है जिंक के अलावा, ना नीचे वाले दोनों तो, अब ये तो सिल्वर के अलावा किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, कॉपर होगा और जो डी है वो सिल्वर होगा, कॉपर एंड सिल्वर हम ये मान लें कि कॉपर एंड सिल्वर है। ए जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा, बाकी किसी कॉपर को, जिंक को और सिल्वर को, सबको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ए जो है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिख रहा है इसमें। हाँ देखो जो बी है वो भी रिएक्टिव दिख रहा है, लेकिन जिंक और आयरन, जिंक के साथ में रिएक्शन नहीं कर पा रहा है ना, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। हाँ कॉपर ए नहीं, बी, बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि बी जो है वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है जबकि ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल में बी। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट, अगर बी जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करेंगे तो, क्योंकि बी मोस्ट रिएक्टिव है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सल्फेट बना लेगा, कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ऑन बी। अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो बी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है और सबसे बाद डी है। बी ए सी डी इज द सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, द गैस इज हाइड्रोजन। ये बात तो आपको पता होना ही चाहिए कि एसिड के साथ मेटल की जब रिएक्शन होगी तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हमसे गैस का नाम पूछ रहे हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, Fe प्लस प्लस H2SO4 विल गिव मेटल सॉल्ट, दैट इज FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? हमने अपनी टेबल में देखा था, write the chemical reaction that takes place. Zinc being more reactive than iron will displace iron, यानी FeSO, iron from FeSO4, या aqueous solution लिखना भूलना मत कभी भी। तो zinc sulfate बनेगा ZnSO4 aqueous, और यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा, एफ ई विल गेट डिपॉजिटेड ऑन जिंक सरफेस, जिंक के ऊपर ग्रेइश ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये आपकी चारों इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आज हमने डिस्कस कर ली। हाँ अब बस एक ही चीज़ बचती है रिएक्शंस में, वो हम कल बात करेंगे। क्या बात करेंगे? We will talk about what is the reaction of metals and non-metals, उनके आपस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से किस तरह से आयंस फॉर्मेशन होती है, और आयंस किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उसका स्टेप बाय स्टेप एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारा इससे, और आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितने रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, हमने पढ़ा है मेटल की रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स एंड विद अदर मेटल सॉल्यू मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये चारों अच्छे से याद कर लो, बहुत ही ईजी चैप्टर है, और हम फिर इसके आगे बात करेंगे। ये एक बार कंप्लीट कर लें तो फिर ये बस आपका जो चैप्टर है उसमें हम पूरा एक साथ रिवाइज कर लेंगे कल की ही क्लास में, ना अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको कल की क्लास में एज इट इज़ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।